आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। भाई साहब मैंने तो सोच लिया कि आप किसी को परेशान करें ना, बहुत दिन हो गए। तो मैं मार्केट में गया, मैंने अंकल जी को बोला कि आंटी जी की तबीयत ठीक है। अब अंकल जी सोच रहे कि कौन है यो, कठे मिलियो तो मैं, क्योंकि तबीयत ठीक है, अगर कोई समस्या हो दिक्कत आए तो आंटी जी के पास मेरे नंबर है। अरे यार नंबर है यार, यो कठे मिले तो कौन है ना, मैं लाड़ी ने कहीं तक जाने सकती हूँ, टेंशन देना तो कहीं पे भी दे सकते हैं। भाई साहब हम तो मालवा के लोग हैं। एक दिन मेरे मास्टर जी ने मेरे से पूछ लिया कि दीना बताओ पत्नी और साली में क्या अंतर है। आंटी जी के देखो आपके काम की बात होती हूँ, मेरे मास्टर जी ने मेरे को बोल दिया कि यार पत्नी और साली में क्या अंतर है। मैंने कहा जो जूते चुराए वो साली और जो उन्हीं जूते से मारे वो घर वाली। ये बस जोरदार तालियां बजाइए साहब। भाई साहब संस्कार के मामले में तो हम लड़के बहुत आगे हैं, लड़कियों से भी ज्यादा हम लड़के आगे। चार लड़कियां बैठी रहेंगी तो बोलते कि देख तेरा भाई जा रहा है, कितना स्मार्ट है, कितना सुंदर है, जरा बात तो करा। अब हम चार लड़के बैठे हो, किसी की बहन जा रही हो, यूं नहीं बोल सकते कि देख तेरी बहन जा रही है, कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, जरा बात तो करा, हमारी हड्डियां तोड़ दे काम पड़े। भाई साहब लड़कियों के संस्कार के मामले में तो लड़कियां मतलब वो भी आगे ही है, मतलब खाना बनाने से पहले सबसे पहले अपने पति को खिलाती है। हालांकि मुंह करने की कोई बात नहीं है, वैज्ञानिक कोई परीक्षण करता है तो सबसे पहले बंदरों पे परीक्षण। जिसको समझा था मैंने माधुरी वो निकला मांडीलाल, और बैलेंस मैंने भी डलाया हो गया मैं कंगा। वैसा वैसा हो जाता है कि अपन किसको माधुरी समझ के मांडीलाल निकल जाता है। एक बार यशवंत बिहारी ने किसको माधुरी समझा था, मालूम पड़ा दूर के फूफा जी निकल गए। तो बोल क्या रहे कि बेटी अपन चलेंगे ना तो ओरियो शेष पिलाना मेरे को। माधुरी को बोल रहे आप, फूफा जी बोल रहे कि तो झापटे की पड़ेगी तब जाके ओरियो शेष मिलेगा। यशवंत जी के लिए तालियां बजाइए। वैसा यहाँ पर एक कवि के लिए एक सफलता तब तक हो जाती है कि मैं आया नहीं उससे पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाते हैं, भाई साहब की दिगान भाई वो वाली कविता सुनाना, दिगान भाई सैनिक वाली कविता सुनाना, किसान वाली कविता सुनाना। मैं आपको सारी कविता सुनाऊंगा, जैसा जैसा आप सुनना पसंद करेंगे मैं वैसा वैसा आपको सुनाऊंगा। मेरे पास एक फरमाइश आई थी कि जो वाह भाई काम में मैंने सुनाया था वो एक बार मैं सुना दूं। तो बिल्कुल साहब मेरी सोशल मीडिया पे मेरी दाल नहीं गली तो फिर मैं मेरे कॉलेज में आया। तो कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ कि एक लड़की को देखा तो आंखों में शूटिंग हो गई। एक लड़की को देखा तो आंखों में शूटिंग हो गई। पता ही नहीं चला कब हमारी कुकिंग हो गई और चाहत हमारी चाहत हमें उन्हें जानने की इतनी हो गई जनाब कि उनकी सहेली से पता चला उनकी तो कब की बुकिंग हो गई। ये बात हम चुपचाप सह गए, ये बात हम चुपचाप सह गए, हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम उनके बारे में सोचते ही रहे और उनको कोई और उड़ा के ले गए। एक दिन हमारी एक और सेटिंग हो गई, रातों रातों हमारी चैटिंग हो गई और जिज्ञासा हमारी भी उन्हें जानने की हुई जनाब, तो हमारी फिक्स मीटिंग हो गई, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और चौथी पंक्ति समझ जाए तो कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दीजिएगा कि हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बात हमारी कहां से कहां तक की हो गई। तो फल खरीदने जाते तो ऊपर ऊपर जो फल पड़े रहते हैं वो सारे होते हैं अच्छे अच्छे फल, ताजा फल, और जो नीचे नीचे फल पड़े रहते हैं वो होते हैं बिल्कुल खराब फल। यशवंत भैया ने मेरे को सबसे पहले उतारा है, मतलब मैं हूं ताजा फल। और जैसे जैसे नीचे नीचे के फल आते रहेंगे आप समझते जाना कि वो कैसे कैसे फल है। साहब यहाँ पर नारी शक्ति बैठी है, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करना चाहूंगा साहब, और नारियों को प्रणाम करना जरूरी भी है साहब। अरे बिल्कुल सीखना पड़ेगा, मैंने आज तक दुनिया में बहुत सारी नारियां देखी भाई साहब, पर आज तक तारक मेहता के उल्टा चश्मा की बबीता जी जैसी नारी नहीं देखी मैंने भाई साहब, आज तक नहीं देखी मैंने। मतलब पूरी दुनिया को पता है सिर्फ उसको छोड़ के जेठालाल का चक्कर बबीता से चल रहा है। एक बार थोड़ा मंच को खोल दीजिए, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दीजिए साहब। वार्ड नंबर 9 तो बढ़िया बजा रहे, पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे साहब। थोड़ी देर से बोला जा रहा था कि पीछे वाले भी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, ये सुन भी आप उनको कुछ भी नहीं बोल।